इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्ट्ज, लेनार्ड्स एंड हॉलबेक की ऑब्जर्वेशंस के बारे में, ठीक है, जो कि इन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के दौरान इन लोगों ने ऑब्जर्व की थी। ठीक, तो सबसे पहले हम हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस, हर्ट्ज ने क्या किया था कि इनका जो पूरा नाम है, पहले तो हम वो देख लेते हैं, इनका पूरा नाम क्या है, हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इससे पहले मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली ये चीज बता दी थी कि जो ईएम वेव्स हैं वो होती हैं। अब हेनरी हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया था कि प्रैक्टिकली कि जो ईएम वेव्स हैं वो सही में ही क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, तो इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हमको ज्यादा डीप में तो पढ़ना नहीं है, हम इनको बस थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं ओवरव्यू क्या क्या चीजें होती हैं ये। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कॉपर वायर लिया, यहाँ पे दो स्फीयर लगाए हुए, मेटल की स्फीयर। ठीक, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 0.75 mm। ठीक, इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है एक कॉइल से, इंडक्टर कॉइल। ठीक, साथ के साथ यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है और इस सारे असेंबली को कनेक्ट किया हुआ है किससे, सप्लाई से। जो सप्लाई क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज की सप्लाई है। जैसे ही यहां से इस सप्लाई को ऑन किया जाएगा तो ये जो गैप है, इस गैप में क्या है, यहाँ पे एयर अवेलेबल है, तो ये एयर क्या होगी, आयोनाइज हो जाएगी। उस आयोनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक स्पार्क जनरेट होगा। ठीक है, अब इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए कि ईएम वेव्स है या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखा है, ये डिटेक्टर लूप लगा रखा है। तो इन्होंने देखा कि इस डिटेक्टर लूप में भी अभी क्या है, एक स्पार्क जनरेट हो रहा है। ठीक, तो इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर भी मेटल प्लेट्स लगाई हुई है, ये मेटल प्लेट्स लगी हुई है। अब ये ईएम वेव्स है या नहीं है उसके बारे में कैसे पता लगा रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि एक मेटल प्लेट को लिया और उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस को फॉल कराया। ठीक है, यूवी रेडिएशंस को फॉल कराया विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके साथ इसको क्या किया, इसके ऊपर फॉल कराया। तो इन्होंने देखा कि जो ये डिटेक्टर लूप है, जो ये डिटेक्टर लूप है, यहां पर जो ये स्पार्क है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। अब ये तो उन्होंने उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, अब तो इसको क्या, टेंथ के बच्चे क्या है, अपने स्कूल प्रोजेक्ट में इसको दिखाते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटेक्टर लूप की जगह एक नियॉन बल्ब का यूज कर लेते हैं, वो नियॉन बल्ब क्या है, ग्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ही ये जो डिटेक्टर लूप है, यहाँ पे क्या, स्पार्क इंटेंसिटी बढ़ गई जब ये मेटल प्लेट को क्या एक्सपोज किया था यूवी रेडिएशन के अंदर। ठीक है, तो फिर इन्होंने इसी से यहां से पता लगाया कि भाई जो ईएम वेव्स है वो तुम्हारी क्या एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे इनकी यही थी कि अगर किसी एक मेटल प्लेट को, वो मेटल प्लेट भी क्या है, फोटोसेंसिटिव है, अगर उसको यूवी रेडिएशंस के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एमिट करते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या है, ये इनकी एक मेन ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो ये तो हो गया हेनरिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में। अब हम देखते हैं लेनार्ड्स की ऑब्जर्वेशन। लेनार्ड्स की ऑब्जर्वेशंस क्या है, लेनार्ड ने, अभी हम देखो इसका एक रफली ओवरव्यू देख रहे हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के बारे में, अभी इसकी जो कंप्लीट स्टडी है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कंप्लीट स्टडी क्या है। तो लेनार्ड ने क्या किया कि लेनार्ड ने दो फोटोसेंसिटिव प्लेट्स को ली, ये दो फोटोसेंसिटिव प्लेट्स हैं, इन दोनों फोटोसेंसिटिव प्लेट को उसने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर रखा। ठीक है, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब हो गया, यहां से एक विंडो दे रखी है, ये विंडो है। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी, उनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इन दोनों मेटल प्लेट के अक्रॉस, दोनों मेटल प्लेट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, तो इन्होंने देखा कि जो आउटर सर्किट है, जो आउटर सर्किट है, उस आउटर सर्किट में कोई भी करंट हमारा डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक,
जैसे ही सेकंड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने देखा कि जो इनकी सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि जो मेटल प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ एक रेडिएशन को फॉल कर रहा है, तो जैसे ही उन्होंने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ एक रेडिएशन को उसके ऊपर फॉल कराया, ठीक, तो इन्होंने देखा कि जो आउटर सर्किट है उसमें अब जो करंट है वो फ्लो करना शुरू हो गया। ये इनकी थर्ड सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन में ये बोल रहे हैं कि अब जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं कहां से? उस प्लेट से जिस पर यूवी रेडिएशन को फॉल कराया है, टूवर्ड्स दैट प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, वो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहां पर हम बोल रहे हैं नेगेटिव पार्टिकल्स और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या है एक्चुअल में, ना तो इनको पता था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है और ना इनको पता है कि नेगेटिव पार्टिकल्स कौन है, क्योंकि ये जो सब एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिस दौरान ये एक्सपेरिमेंट हुए थे उस टाइम पीरियड के दौरान इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है वो 1897 में उसकी डिस्कवरी हुई है, जिसको किसने किया था, जे जे थॉमसन ने। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है तब नेगेटिव पार्टिकल्स को रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉन वर्ड को यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक, तो ये है हमारी क्या लेनार्ड्स की एक रफली ऑब्जर्वेशन है। अभी इसके बारे में हमको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की देखनी है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पूरे डीप में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन आती है वो है हॉलबेक ऑब्जर्वेशन। ठीक, हॉलबेक ऑब्जर्वेशन में क्या है कि इन्होंने एक जिंक की प्लेट को लिया है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक जिंक प्लेट को लिया है और उसके साथ इन्होंने तीन कंडीशंस लगाई हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि देखो जिंक प्लेट ली और इस जिंक प्लेट को इन्होंने क्या किया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ इन्होंने इसको कनेक्ट किया। तो अब इन्होंने तीन कंडीशन अप्लाई की है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इन्होंने एक अनचार्ज्ड प्लेट ली है, जिंक प्लेट, और उसको इन्होंने कनेक्ट किया है किसके साथ, ये कनेक्ट कर दिया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। ठीक है, अब इस अनचार्ज प्लेट के ऊपर जब यूवी रेडिएशन को विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल कराया गया तो इन्होंने देखा कि इस अनचार्ज प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, और जब ये पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, इस तरह से लीफ तक पहुंच जाएंगे और ये लीफ क्या करेंगे, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है इनकी कि एक अनचार्ज जिंक प्लेट को जब हम यूवी रेडिएशन के अंदर एक्सपोज करते हैं तो वो एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्जेस को। सेकेंड इनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें इन्होंने एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट को लिया है, ठीक, और ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इसको भी गोल्ड लीफ के साथ इस तरह से कनेक्ट किया गया है, और इन्होंने देखा कि जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशन को फॉल कराया तो अभी देखो ये नेगेटिव नेगेटिव यहां तक गए, ये क्या कर रहे हैं, यहां से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जैसे ही यहां से इसके ऊपर यूवी रेडिएशन को फॉल कराया तो इन्होंने देखा कि जो ये गोल्ड लीफ है अब ये क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ आना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इन्होंने यहां से कंक्लूजन ये लगाया कि यहां पर लीकेज हो रहा है, देयर इज अ लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, वो लीकेज हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन्स का लीकेज क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी यूवी रेडिएशंस सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर फॉल करेगी तो वो वहां से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू करेगी। थर्ड इनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें इन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को लिया सेम वे में, उसको भी क्या किया है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट किया है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, यूवी रेडिएशंस को फॉल कराया तो इन्होंने ये पाया कि अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस जिंक प्लेट के ऊपर इनका नंबर क्या है, वो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, ये इनको कैसे पता पड़ा, इन्होंने देखा कि अब गोल्ड लीफ क्या कर रही है, ज्यादा एक दूसरे को रिपेल कर रही है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, जिससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो जिंक प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, हॉलबेक की।